I hope you have enjoyed this view. Hey guys, what's up? And welcome back to the channel, everyone. And आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी जबरदस्त वीडियो होने वाला है बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग राइड. सो अभी बज चुके रात के 11:30. डेट है 19 तारीख 19/9/2019. वी आर लिविंग फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज इन गुजरात. सो हमारा जो रूट है वो होगा पुणे से नासिक, देन नासिक से वनस्था नेशनल पार्क एंड वनस्था से देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर वहां से वडोदरा. सो ये कंप्लीट जो राइड है वो अराउंड 3 डेज की होने वाली है, 20, 21 एंड 22. सो आज 19 की रात को हम निकल रहे ताकि हमको ट्रैफिक ना लगे. अबाउट द लगेज, ये मेरा बैगेज किंग का मेरा खुद का परचेस किया हुआ बैग एंड ये गिव अवे में मिला हुआ बैग. सो इसमें कुछ खाने पानी, खाने पीने की चीजें, छोटे मोटे आइटम्स है. इसमें सारे मेरे कपड़े एंड एक्स्ट्रा चप्पल वगैरह वो सब चीजें. माय ग्लव्स, ये अभी मैं रेगुलर ग्लव्स पहन रहा हूं लेकिन मेरे जो गॉन्टलेट ग्लव्स है वो इस वाली बैग में है, पलक लवा. सो द लगेज इज सेट, एवरीथिंग इज. पीछे मेरा राइडिंग जैकेट है. सो या आई एम यूजिंग XTI का X1 राइडिंग जैकेट एंड यहां पे है अपने नी गार्ड्स. सो बायोनिक नी गार्ड्स फ्रॉम एस्पिडा एंड ओरेजो के राइडिंग बूट्स. सो एवरीथिंग इज नाउ सेट, बस अभी गाड़ी पे लगेज माउंट करना है एंड देन निकलना है. सो अभी फटाफट सब कुछ तैयार हो जाता हूं एंड आपको मिलता हूं मैं बाइक के ऊपर. ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट फ्रेम. अरे हूं गुजरात ना मार्ग पर छु. आई होप मैंने ये गुजराती सही बोला होगा. तो अभी हो गया अराउंड 11:45 एंड मैं निकल पड़ा हूँ गुजरात के लिए. अभी यहाँ से मुझे जाना है नासिक फाटा, तो वहां पे मेरे कुछ राइडर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको मिलूंगा एंड उसके बाद देन वी विल हेड अहेड. तो जैसे कि देख सकते हो और अंधेरा काफी, और जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो भी अंधेरे में इतनी सपोर्ट नहीं कर रही है. तो अभी जितना हो सके उतना मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि आधी राइड तो अपनी अंधेरे में ही होने वाली है, तो थोड़ा सा अंधेरा झेल लो. ऑलमोस्ट 1:15 इन द नाइट. अभी हम लोग नासिक फाटा पे जमे हुए हैं. अक्षय इज देयर, आशीष इज देयर. तो 1, 2, 3, तो ये 3 बाइक है. अभी और एक जन आ रहा है, संकेत आ रहा है एंड देन विल मीट विशाल और नाड़े फाटा. विशाल को तो आपने मेरे काफी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा. सो अभी उनका वेट कर रहे हैं, यहाँ से फिर निकलेंगे एंड नेक्स्ट स्टॉप वुड बी आड़े फाटा. तो सी ऑन द बाइक. एंड वन मोर थिंग, इसका मैं रिव्यू डालूंगा जल्दी. तो ये जो नासिक फाटा से निकल रहे, निकलते निकलते हमको 2:15 अभी हो गया था ये टाइम तक. संकेत को आने में थोड़ा सा समय लग गया था, सो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया जाने को. एंड बाय द वे, अपडेट अबाउट विशाल, ड्यू टू एन आई इंजरी वो इस राइड को ज्वाइन नहीं कर पाया. तो विशाल आई एन ए वे वॉन्ट बी देयर इन दिस वीडियो और इन दिस राइड. ओ माई गॉड, अंधेरा देख लो भाई साहब, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे. हम एकदम जजमेंट पे गाड़ी चला रहे थे एंड आई डोंट नो हमने कैसे पार किया इस डिस्टेंस को. कंप्लीट डार्क आउट था, कंप्लीट ब्लैक आउट. सो राइट नाउ वी आर इन संगम नेरा एंड जस्ट यहाँ पे अभी चाय वाय पीने के लिए रुके, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे नासिक एंड देन वंसा. अनदर एपिक एडवेंचर एक्चुअली. ये फॉग देख सकते हो, ये शायद से कैमरे में आपको इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन ये बहुत जबरदस्त फॉग है. मतलब लिटरली मुझे गाड़ी चलाते टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने का. वाइजर पूरा टाइम वाइजर ओपन था बिकॉज क्लियर वाइजर होके भी पूरा उसपे मतलब छींटे जम रही थी पूरी, बारिश की छींटे, कीचड़ एंड इतना ज्यादा फॉग था कि पूछो मत. मतलब एकदम खतरनाक वाला एडवेंचरस फीलिंग आ रहा था ये टाइम पे. सो आई एंजॉयड दिस रोड अ लॉट गाइज.
वो लुक एट दिस रोड गाइस, मतलब मेरे दोनों तरफ एकदम सपाट मैदान जैसा है, पूरा हरा भरा मैदान मैदान, एंड उसमें से जाती हुई लसलसाती हुई सड़क, तो क्या जबरदस्त फील आ रहा है। और ये मेरे राइट साइड को देख रहे हो, वो एक्चुअली ग्रेप्स की खेती है, तो नासिक इज फेमस फॉर द ग्रेप्स, तो या ग्रेप्स की खेती वहाँ पे पूरा, मतलब ग्रेप्स का ही खेती है। सो वी आर समवेयर अराउंड डिंडोरी, नासिक से थोड़ा सा आगे है अभी। और स्वागत है आप सबका भारत सरकार के या फिर महाराष्ट्र सरकार के इस नए उपक्रम में, जिसको कहेंगे कि घर बैठे बैठे या फिर अपने खुद के स्टेट में आपको जो लद्दाख जाने का फील है, लेह लद्दाख जाने का फील, वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देती है काफी अच्छे से। एंड यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि लद्दाख में मैंने ये टेरेन मिस कर दिया या फिर मुझे लद्दाख पे प्रिपरेशन करना है और मैं जाऊँ कहाँ। तो उसका पूरा पूर ख्याल अपने गवर्नमेंट ने रखा है। एंड आप जैसे कि रोड कंडीशन देख सकते हो, तो ये सिर्फ हम जैसे राइडर्स को ट्रेन करने के लिए है। सो आई थैंक माई गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच ब्यूटीफुल रोड्स। और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाती है, हद समाप्त, और वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड इन गुजरात नाउ। सो शायद से आगे क्या ये चेक पोस्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। संकेत वॉज आस्किंग समथिंग, तो बाद में उसने मुझे बताया कि रोड्स काफी अच्छे हैं आगे। तो ठीक है, अभी 4 दिन की चांदनी एंजॉय कर लेंगे आगे। सो राइट नाउ वी आर इन सापुतारा, तो ये गुजरात का एक हिल स्टेशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काफी अच्छा एंड काफी क्लीन हिल स्टेशन है। एंड आगे जाके थोड़ा सा आप अगर लेफ्ट साइड को देखोगे तो दैट इज सापुतारा लेक। तो या दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड काफी अच्छा नीट एंड टाइडी लग रहा है। सो या दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ गुजरात फ्रॉम माई कैमरा। सो आई होप कि आपको ये राइड अभी तक एंजॉय आप कर रहे होंगे इस राइड को। अगर आपको पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक दे दीजिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बिकॉज इस राइड का पार्ट 2 भी आने वाला है। दिस इज जस्ट अ पार्ट 1। तो जैसे ही हमने सापुतारा से थोड़ा सा आगे आया, हमको ये घाट लग गया। एंड क्या बताओ भाई साहब, मतलब ये घाट की जो खूबसूरती है, उस घाट की खूबसूरती शायद से इस कैमरा में आपको पता नहीं चलेगी। मैं कितना भी कलर ग्रेडिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मतलब जो ओरिजिनलिटी में जो लग रहा था ना ये घाट, वो शायद से आपको इस कैमरा में ना पता चल पाए। वो आपको जाके पर्सनली वहां पे एक्सपीरियंस करना होगा। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपने इससे पहले रोड्स देखे हैं क्या है? तो हाँ, लेकिन इस जो रास्ते ने, इस जो व्यू ने जितनी भी थकान थी, वो पूरी की पूरी थकान एक ही बार में निकाल दी। मतलब इतना, मतलब सही लग रहा था। तो अभी आगे जाके गाड़ी रोकेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल व्यू कैसा है। ओके, सो 9 o'clock इन द मॉर्निंग, अभी तक अराउंड 280 किलोमीटर हो चुका है एंड वी आर इन सापुतारा राइट नाउ। जस्ट नाउ वी हैव एंटर्ड गुजरात एंड सापुतारा में आते ही भाई साहब जो व्यू मिला है हमको, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इट्स वेरी अमेजिंग। बताने से अच्छा आप खुद देख लो। होप यू हैव एंजॉयड दिस व्यू। मतलब यार सच में वर्ड्स में, मतलब कैमरा में मुझे नहीं पता जस्टिस हो पा रहा होगा कि नहीं।
आई थिंक कि ये नर्मदा रिवर है, मतलब बहुत बड़ी रिवर है यार। इतनी बड़ी रिवर तो महाराष्ट्र में मैंने देखने देखी भी नहीं है कभी, ये देखने को मिलती नहीं है इतनी बड़ी रिवर। एंड महाराष्ट्र में मतलब अगर आप पुणे में अगर देखोगे, पुणे मुंबई में, तो रिवर का मतलब उन्होंने गटर बना दिया है। आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज द रियलिटी। एंड लुक एट दिस रिवर मैन, मतलब ये रिवर मुझे वो वाशी का जो खाड़ी का ब्रिज है उस ब्रिज की याद दिला रही। उतना बड़ा नहीं लेकिन काइंड ऑफ लाइक दैट, मतलब काफी क्लीन और काफी अच्छी रिवर है। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। और ये हम पहुंच चुके हैं राजा पीपड़ा। एंड यहाँ पे फिर हमारा स्टे बुक था, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, एक गली छोड़ के अगली वाली गली में बुक था। तो राजा पीपड़ा में हमारा स्टे था, फिर वहां से हम गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। So we have reached in the room. Actually, this is a guest house, and Jai Prakash guest house in Raj Pipra. So we are in Raj Pipra right now. So Statue of Unity जाना था हमको 6 बजे, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हो बारिश, तो बारिश ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तो अभी हम कल सुबह जाएंगे सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देन वहां से निकलेंगे आगे की राइड की तरफ। ओके, सो आज के दिन का जो वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई है। इतना पूरा रात भर गाड़ी चला के एकदम मतलब एक्सट्रीम लेवल का भी थकान हो चुका है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इतना एक्सट्रीम राइड करने के बाद यार आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।